धन्यवाद। और नीति आयोग के सीईओ इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सीधे वहीं चलते हैं। अब वो डेबिट कार्ड यूज करता है तो उसके ये उसकी स्टोरी है। एक भीम सिंह जो 29 साल का फार्मर है हरियाणा हिसार में, उसकी स्टोरी हमने आपको दी है। एक आशा दामोदर है जो कि केरला में कासरगोड में कृषि क्षेत्र में काम करती हैं और टीचर हैं, उन्होंने रुपए कार्ड से जीता। तो ये जो भीम सिंह थे इन्होंने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जीता और इनका मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने दिया हुआ है। आशा दामोदर हैं जिन्होंने रुपए कार्ड उपयोग किया कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में और वो फार्मिंग करते हैं और टीचर हैं 43 इयर्स ओल्ड की। और राम रूप गिरी हैं जो कि एक एग्रीकल्चरलिस्ट हैं लखीमपुर खेरी के, उन्होंने जीता वो रुपए कार्ड उपयोग करके। एक ईशाम सिंह हैं जो कि 66 वर्ष के हैं और कृषि क्षेत्र में करनाल में काम करते हैं, उन्होंने जीता वो अपने फार्मिंग कम्युनिटी में रहते हैं और कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन अब कर रहे हैं। और इसी तरह कुलदीप बेनीवाल हैं जिन्होंने 32 साल के फार्मर हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए जीते लकी ग्राहक योजना में, उनके बारे में हम लोगों ने एक राइटअप दिया है। अनिल कुमार हैं 26 वर्ष के जिन्होंने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जीता। और सैदालु यादव जाटंगी जो कि एक मेडिकल टेक्नीशियन है तेलंगाना नालगोंडा में, उन्होंने रुपए कार्ड उपयोग करके जीता। और ये इन्होंने इसके साथ साथ मुदन्ना शेट्टी हैं 44 वर्ष के जो महाराष्ट्र थाने के हैं, जिन्होंने 50,000 रुपए जीते और ये ढाबा चलाते हैं। इनके ढाबा का नाम है काका दा ढाबा और ये महाराष्ट्र में चलाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने उल्लास नगर के हैं और उनके बारे में लिखा है। और पूजा नेमाडे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए, स्टूडेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं, 1 लाख रुपए इन्होंने जीते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इन लोगों की। और एक जयंती हैं जो होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए लकी ग्राहक योजना में जीता रुपए कार्ड उपयोग करके। और इसी तरह मंजू आर गौड़ा हैं जिन्होंने, ये रेस्टोरेंट ओनर हैं फास्ट फूड मैरी फास्ट फूड चलाते हैं और 50,000 रुपये जीते और 1 लाख रुपये। हलेशा KSM इंजीनियर हैं शाही एक्सपोर्ट्स में देवनगरी कर्नाटक में, उन्होंने 1 लाख रुपए जीते। तो ये सारी करीब 10-12 स्टोरीज हमने आप लोगों के लिए बनाई हैं पूरी। ये पूरी बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं इन लोगों की। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाली हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है, कैसे जीता। और ये सारी स्टोरीज़ को हम लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी पब्लिसिटी दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति जिसने जीता है वो एक एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर के लिए काम करे, डिजिटल पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करे। और एक एक व्यक्ति जिसने जीता है 1,000 लोगों को और इनरोल करे और ये एक एग्ज़ाम्पल देश में बने कैसे ये हिंदुस्तान एक इनफॉर्मल इकॉनमी से फॉर्मल इकॉनमी बनेगा, उसके लिए थोड़ी ये लोग ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे। तो मैंने एक पूरा राइटअप आपको ये दिया है इनके बारे में, और कहाँ कहाँ डिजिटल मेला हुआ है उन सब के बारे में आपको हमारी अतुल जी और पवित्रा जी आपको डिटेल्ड राइटअप देंगे। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिजिटल पेमेंट्स के जो ट्रेंड हुए हैं, ये जो लकी ग्राहक योजना और डिजिटल डिजी धन व्यापार योजना जो हमने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए की थी, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। और अगर आप नवंबर से देखिएगा तो नवंबर टू जनवरी USSD करीब, नवंबर से लीजिएगा तो जनवरी तक करीब 45 टाइम्स बढ़ा है। और इसके सारे फिगर्स हम आपको दे देंगे, 45 टाइम्स करीब बढ़ा है। और फेब्रवरी ये इसके काउंट्स ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं और अमाउंट्स में बहुत बढ़ावत हुई है। खासकर नवंबर से दिसंबर तक देखिएगा तो USSD में क्योंकि बेस बहुत कम था, बहुत ज़ोरों का बढ़ा, करीब 1357% बढ़ा काउंट और ट्रांजैक्शन में 1320% बढ़ा।
और जनवरी में फिर बढ़ा, पर नवंबर टू जनवरी में देखिएगा तो 45 टाइम बढ़ा, और यूपीआई देखिएगा तो ये नवंबर से जनवरी तक 22 टाइम बढ़ा है, 22 टाइम बढ़ा है। और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आप दिसंबर से जनवरी में देखिएगा तो इसकी बढ़ावत हुई है दिसंबर टू जनवरी में करीब 100 करीब दिसंबर से जनवरी के बीच में करीब 34% इसकी काउंट में बढ़ी है, और 53% इसका ट्रांजैक्शन में बढ़ा है।